हाय फ्रेंड्स, चलिए आज एक ऐसा केक बनाएंगे जो डाइट फ्रेंडली है और सबके लिए हेल्दी है, डायबिटिक फ्रेंडली भी है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी खा सकते हैं। इसमें बिल्कुल शुगर नहीं है, मैदा नहीं है, गुड़ नहीं है, हनी नहीं है, तो ये ऐसा केक है। और इस केक को बनाने के लिए बेकिंग परफेक्ट आनी भी ज़रूरी नहीं है, तो ये आप इतने अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए केक का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। ये डेट्स वॉलनट केक है, तो यहाँ पे हम डेट्स ले लेंगे 100 ग्राम के जितने। यहाँ पे हमें खजूर लेने हैं। मैंने यहाँ पे सीडलेस डेट लिए है, यानी कि इसके अंदर बीज बिल्कुल नहीं है। अगर आप बीज वाले लेते हैं तो पहले बीज निकाल दीजिएगा। अब एक कप के जितना दूध गर्म करेंगे और खौलता हुआ दूध इस खजूर में डाल देंगे। इन खजूर को हमें 1 से 2 घंटे के लिए भिगो देना है। ये जितना ज़्यादा आप दूध में रखेंगे भिगा के, उतने ही अच्छे ये ग्राइंड होंगे। तो मैंने यहाँ पे भिगो के अब इसको ढक्कन लगा कर रख लिए हैं, और 1 से 1.5 घंटे के बाद इसे हम चेक करेंगे तो ये अच्छे से भीग गए हैं। दूध भी जो है वो उसका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और हम इसे ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर अब बीज है इस खजूर में तो ज़रूर निकाल दें, वरना ब्लेड्स ख़राब हो जाती है। तो अब इसे पेस्ट फॉर्म में ग्राइंड कर देना है। बिल्कुल इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए, ये एकदम अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। अब उसी बोल के अंदर मैं इसे ले लूँगी पेस्ट को, और फिर इसके अंदर हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। तो उसके लिए पहले केक बनाने के लिए हमें एक टिन प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो टिन को मैंने यहाँ घी से ग्रीस कर लिया है। यहाँ पे मैं 1/4 कप की जितना घी ले रही हूँ, उसी में से मैंने घी लगा के इसे ग्रीस किया। 2-3 टीस्पून के जितना यहाँ पे ज्वार का आटा डाला है, और ज्वार के आटे से ही आज हम केक बनाने वाले हैं। तो इसे इस तरीके से घुमा लें ताकि ये आटा हर तरफ लग जाए। अब जो खजूर है उसके अंदर 1/2 कप के जितना दूध हम और डालेंगे, वो मैंने रूम टेम्परेचर वाला ही दूध लिया है, और 1/4 कप जो घी है वो डाल देंगे। 1 टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस डालेंगे। फ्रेंड्स, ये वाला केक जो है इसमें बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट है, और जो घर में मिल जाते हैं वही इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आप इसे आराम से कभी भी बना सकते हैं। टी टाइम केक है ये, बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकते हैं, या जिसको मीठे की क्रेविंग हो रही है उसके लिए तो ये बहुत बढ़िया केक है। और इसे आप सुबह चाय के साथ, दूध के साथ खाएं तो ये दिन भर आपको एनर्जी देगा। अब यहाँ पे 1 कप के जितना हम ज्वार का आटा डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो अब मैं विस्क निकाल दूँगी और स्पैटुला से इस तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। तो आटा बहुत अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई लम्प्स वगैरह ना हो, और जब ये केक बेक हो तो एक अच्छे से इवनली बेक हो। तो ये मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून के जितना बेकिंग सोडा डालेंगे। तो सारा इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद बेकिंग सोडा डालें इसके अंदर, और फिर से इसे मिक्स करें। अब थोड़े से यहाँ पे मैंने चॉप किए हैं वॉलनट्स, वो भी डाल दूँगी। आप वॉलनट्स की जगह पे कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस से। तो यहाँ पे ये वॉलनट्स डाल के मिक्स कर देंगे। डेट्स और वॉलनट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे हमने एक पार्चमेंट पेपर लगा दिया है इस टिन में। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे डायरेक्टली डाल सकते हैं। पार्चमेंट पेपर होता है तो केक अच्छे से निकल जाता है, नीचे चिपकता नहीं है। और इसको भी मैं घी से थोड़ा ग्रीस कर दूंगी, और जो हमने केक का बैटर बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे, और फिर हम इसे बेक करेंगे। तो पहले बैटर डाल के हम इसे लेवल कर देंगे स्पैटुला से। ये टी टाइम केक है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं फूलता है, पर थोड़ा फूलता है। तो यहाँ पे 3/4 के जितना आप टिन में बैटर डाल दें, और यहाँ पे इस तरीके से स्पैटुला से लेवल कर दें। ऊपर से थोड़े से वॉलनट्स आप और डाल दें, या जो भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं वो डाल दें, और इसे फिर ओवन में प्री हीट किए हुए ओवन में बेक करना है। 20 से 25 मिनट इस केक को बेक करना है, और ओवन का जो टेम्परेचर है वो 160 डिग्री रखें। तो ये देखिए मैं बेक करके ले आई हूँ केक,
बहुत अच्छा बेक हुआ है, अब हम इसे चेक करेंगे। तो स्क्रूअर डाल के इस तरीके से चेक करें आप, अगर स्क्रूअर क्लीन निकलता है इसका मतलब कि केक बहुत अच्छे से बेक हुआ है, और अगर क्लीन नहीं निकलता है तो 5-7 मिनट इसे और बेक कर लें, ये एकदम ठंडा हो जाए तब इसे आप डीमोल्ड करें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ ऐसी ही हेल्दी हेल्दी न्यू रेसिपीज़ के साथ, और ये केक बनाकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और भी ऐसी रेसिपीज़ देखनी है क्या आपको? कोई भी रेसिपी नई सीखनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो ये देखिए, मैंने ठंडा होने के बाद इसे निकाल दिया है टिन में से, और अब इसे मैं कट करके भी आपको बताऊँगी। ये एकदम सॉफ्ट बना है, मेल्ट इन माउथ केक है, तो ज़रूर ट्राई करें इस केक को। तो ये देखिए, मैंने एक स्लाइस कट कर दिया है, और आप भी इस केक को एंजॉय करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।